हम अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और तुम उनके घर पे रह रही हो। कल तुम भोपाल में हो। वसुंधरा जी को ये एहसास दिलाना होगा कि भूमि उनकी बहू है। अपने सारे बिरादरी के लोगों को बुलवा ले, एक एक जन को पता चलेगा, वो आएंगे, आपकी बहू से मिलेंगे, आपको काम का परेशानी होगी हा? तो मुंह दिखाई शाम को हो जाएगी। बहू की मुंह दिखाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी माँ। लता जरा मेरे साथ आना तो। हम अभी आते हैं। लता जब तुम्हें मालूम है कि ये सब तमाशा हमें पसंद नहीं है, फिर ये मुंह दिखाई की रस्म किसको पूछ के रखी गई? भाभी माँ वो दरअसल ना आज सुबह अचानक कुछ औरतें घर आ गई थी, वो जिद कर रही थी भूमि से मिलने की। उस समय माँ जी आ गई और उन्होंने कहा कि ये इनके उटपटांग सवालों को बंद करने के लिए हमें भूमि की मुंह दिखाई की रस्म कर लेनी चाहिए। भाभी माँ उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि मैं न मना करती। मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये लोग ऐसे सब आ जाएंगे। उन्हें तो आना ही था, प्रजापति परिवार की बहू की मुंह दिखाई है, पूरा शहर इस दिन का इंतजार कर रहा था। पर हमने इस लड़की को अभी तक अपनी बहू स्वीकार नहीं किया है, फिर हम मुंह दिखाई कैसे कर सकते हैं? भाभी माँ पर मान के लिए तो उसी की जिद की वजह से तो ये सब हो रहा है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर बात इतनी ही बढ़ गई थी तो हमें क्यों नहीं बताया? साइड हटो। अपनी ये नकली मिठास और प्यार नीचे मेहमानों के लिए बचा के रखो। हबीबा मैंने आपको फोन किया था पर आपकी सेक्रेटरी ने कहा कि आप मीटिंग में बिजी हो। जब देखो वसुंधरा जी, लता जी, आप लोग यहाँ वहाँ मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लता जी भूमि अगर तैयार है तो उसे ले आइए, बहुत देर हो चुकी। हम लता से कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस जश्न की इजाजत किसने दी, क्योंकि हम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं थे। वसुंधरा जी क्षमा कीजिए, हम जानते हैं कि आपके घरेलू मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो औरतें आपकी बहू के बारे में उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। तो हमने सोचा कि इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है, क्यों ना सबको बुला के मिलवा दिया जाए, सब शांत हो जाएंगे। फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना। ऐसे आप भूमि की मुंह दिखाई तो करने वाली थी ना? करते जरूर करते, पर पूरी तरह तैयारी करके। इस तरह आधे अधूरे काम हमें पसंद नहीं है। लता जब तुमने मुंह दिखाई की रस्म रखी दी है तो ध्यान रहे मेहमानों को किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ शर्मा जी को फोन करके
सोने की गिन्नियां मंगवा लो, क्योंकि सूरभि और मान की शादी में जो आए थे उन्हें शगुन देना है। जी। Are you ready for this? Baby. Oh my God. मुझे तो मम्मी जी को डिनर बनाने में हेल्प करनी थी। माँ ने तो कहा था कि अगर वरुण को इम्प्रेस करना है तो उसकी पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना पड़ेगा। क्या हेल्प करूँ उनकी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ओह गॉड, सो कंफ्यूजिंग। ओके, काम डाउन सुरभि, सोच सोच सुरभि, अगर माँ यहाँ होती तो क्या करती। जी। अच्छा हुआ सुरभि तुम आ गई बेटा, खाना सारा तैयार है, तुम जाके सबको बुला लो खाने के लिए। जी मामी जी, अभी बुला के लाती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। वो एक्चुअली मामी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ, मैं चाहती थी आपको हेल्प करना डिनर के लिए, बट शॉपिंग और मंदिर के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कल मदद कर देना। नहीं मामी जी, वो बात नहीं है। दरअसल ना, आज मैं खाना बना के सबका दिल जीतना चाहती थी, स्पेशली वरुण का। वैसे मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम आज सबको ये बता दें कि ये सारा खाना मैंने बनाया है। प्लीज प्रॉमिस, प्रॉमिस मैं कल से ना आपकी सारी हेल्प करूंगी, सारी रेसिपी सीख के सारा काम अपने आप ही कर लूंगी, प्रॉमिस प्लीज आज। अच्छा ठीक है, ऐसा ही कहो, अभी तू जाके सबको बुला ले। ओके मम्मी जी, यू आर द बेस्ट, बहुत अच्छे हो। भूमि, अरे वाह भूमि, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। एक मिनट, काला टीका लगा देती हूँ ताकि तुझे किसी की नजर ना लगे। भूमि, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं आंटी। बेटा घर की याद आ रही है? हाँ माँ, वो क्या है ना कि भूमि कई दिनों से अपने परिवार से मिली नहीं है, उनसे बात भी नहीं हुई, और वैसे भी भूमि अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, बल्कि कभी कभी तो उनके आगे इसे कुछ दिखाई नहीं देता, है ना भूमि? अच्छा तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? भूमि जितना प्यार अपने परिवार से करती है उतना प्यार ना तुझसे भी करती है। अच्छा सुन, अब मैं भूमि को लेकर नीचे जा रही हूँ, तू तैयार होकर ना बाद में आना। जी माँ। आओ बेटा। तुम ऐसे इंसान के नाम का सिंदूर कैसे लगा सकती हो भूमि, जिससे तुम प्यार ही नहीं करती, जिससे तुमने सिर्फ अपने परिवार की मर्जी के लिए शादी की। काश तुम प्यार का असली मतलब समझ सकती। ये दो दिन में यहाँ की हवा कैसे बदल गई, रसम पे रसम हो रही है और आज अचानक से ये मुंह दिखाई। भाभी माँ के गुस्से का वॉल्केनो आज फट के ही रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है आज। सुमन, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें आने में?
तुम्हें पता है ना, आज घर में भूमि की मुंह दिखाई की रस्म है, सब तुम्हें पूछ रहे थे। जाओ अब लता को मदद करो जल्दी से। जी। इन्हें क्या हो गया? इन्हें देख के तो लग रहा है कि ये फंक्शन इन्होंने ही रखवाया है। लता जी आपकी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। आपकी बहू वाकई बहुत सुंदर लग रही है। अरे सुरभि बस करो, और कितना खिलाऊंगी, मैं वैसे ही इतना खा चुका हूं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लो। ओह बेबी, है ना माँ? हाँ बेटा, हाँ वाकई खाना बहुत अच्छा है। ये पुलाव तो बिल्कुल जानकी धारा बहू के हाथ के जैसा है। लेकिन ये स्वाद का खाना तुमने कैसे बनाया? ओह गॉड, अब क्या करूं? इन्हें तो सब पता चल गया। वरुण, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था ना? चलो चलो जल्दी चलो, तैयार भी तो होना है। अरे पहले खाना तो खाने दो। अरे अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारा पेट भर गया, वैसे भी कुछ खा थोड़ी ना रहे हो। अभी देर से जाओगे तो देर से आओगे। चलो जानकी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम सुरभि की सास नहीं, उसकी मां बनने की कोशिश कर रही हो, और ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ जानती हूँ बाबूजी, पर आप जानते हैं ना कि सुरभि अभी छोटी है, बच्ची है, वो इस घर में नई नई आई है। अगर हम उसे थोड़ा वक्त देंगे तो ही इस घर के तौर तरीके सीख पाएगी। भगवान करे जितना प्यार हम सुरभि को करते हैं उतना ही प्यार मेरी भूमि को उसके ससुराल में भी मिल रहा हो। बड़ी सुंदर लग रही है तू। दादी इन सब की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना, बड़ी माँ मुझे पसंद नहीं करती है, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे बिट्टू, अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो हमसे तेरा हाथ क्यों मांगती? अरे फिलहाल वो तेरी नौकरी की बात को लेकर जरा गुस्से में है और कुछ नहीं, लेकिन वो हमेशा बिल्कुल तेरी जैसी बहू चाहती थी, और यही तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख सब कितने अच्छे से हो गया ना। क्या बताऊं, आप तो शादी में नहीं आई थी ना, बहुत बड़ा तमाशा हुआ वहां पर। क्या हुआ था? हाँ भाभी माँ तो लड़की को मंडप में ही छोड़ आई थी। पर क्यों? करते भी क्या बेचारी, लड़की की लक्षण ही खराब थे। सुना है शादी के पहले उसका किसी लड़के के साथ चक्कर भी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भाभी माँ ने ऐसी लड़की को अपना लिया? आप अपने आप को समझते क्या है?
आप यहाँ नई दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं या फिर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए? मान, ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? आखिर हुआ क्या है? बड़ी माँ, इन्हें किसने हक दिया कि ये मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की बेइज्जती करें? आप इन्हें कह दीजिए अगर इन्हें यही सब बकवास करनी है तो यहां से चली जाए। मैं अपनी पत्नी पे लगाए हुए झूठे इल्जाम कभी नहीं सहूंगा। मीनाक्षी, मान की पत्नी के लिए गलत कहना मतलब प्रजापति खानदान पे उंगली उठाना है। ऐसे लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। भाभी माँ, माफ कर दीजिए। मान, तुम शांत हो जाओ बेटा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरभि, पता है मैं तो बोर ही होगी इस मुंह दिखाई के नाटक में। एक तो पहले ही भाभी माँ ने मुझे लेट आने के लिए डांट दिया, ऊपर से जब कुछ औरतें भूमि की बुराई कर रही थी ना, तब उस मान ने आके सारा मजा करके रख कर दिया। हाँ, और यहाँ भूमि अपनी चालाक दादी के साथ इस घर में अपनी जगह बनाने में लगी है। हाँ, अरे माँ ऐसे मत बोलो, अच्छा है कि दादी वहीं है। क्यों क्यों क्यों? अरे माँ आज पता है क्या हुआ? आज ना मैंने मम्मी जी के खाने को अपना खाना बता के सर्व कर दिया सबको। दादाजी तो मुझसे पुलाव की रेसिपी पूछने लग गए। ओ गॉड माँ, मैं जानती हूँ मैं कैसे भागी उस सिचुएशन से। अगर दादी होती ना तो पक्का 100% मेरी बैंड बजा देती। देख बेटा, जब तक तू उस घर में रहेगी ना तब तक तो ये सब नाटक चलता रहे। हमें बहुत जल्द तुझे इस घर में वापस लाने का प्लान बनाना पड़ेगा, वरना कहीं वो भूमि कुंडली मार के ना बैठ जाए इस घर में। हाँ, अरे माँ मेरा पति भी तो मैग्नेट की तरह चिपका हुआ है अपनी फैमिली से, कैसे करूं? वो तो है। अच्छा सुन, वरुण को पटाने का एक सुपर आइडिया मिला है मुझे। क्या? अच्छा वसुंधरा जी, अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया है। आप लोगों ने हमारा बड़ा ख्याल रखा, धन्यवाद। मेहमानों की खातिरदारी करने में प्रजापति खानदान कभी पीछे नहीं हटते। हम अभी आते हैं। हेलो लता जी, सुमन जी, जय महाकाल। नमस्ते माँ जी, आप भी अच्छे से जाइएगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। चलिए दादी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। चल आइए। अंश बेटा, हमारी भूमि बहुत भाग्यशाली है जो तुम जैसा जीवन साथी मिला है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना। भगवान तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दे। थैंक यू दादी। दादी मैं अभी आता हूँ। हेलो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। भूमि बेटा, संभाल अपने आप को बेटा, मुझे तो जाना ही होगा। नहीं नहीं रोते बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुझे यहाँ पर सब कुछ नया और पराया सा लग रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है बेटा, मान का प्यार तेरे साथ है तो तू इस घर को
अपने प्यार से जीत लेगी, अपना बना लेगी। बेटा वसुंधरा जी, अपने परिवार की परंपराओं को संभाल के रखने वालों में से है। तूने देखा नहीं उन्होंने वो कैसे खड़ी हो गई सबके सामने। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा नाराज है, पर मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन वो तुझे अपनाएंगी और प्रजापति खानदान की बहू का दर्जा भी देंगी। मैंने बीज बो दिया है बेटा, अब उसमें खाद पानी डालना तेरा काम है। अपने पर विश्वास रख, हिम्मत मत हारना। तू अपने प्यार से, निष्ठा से सबका दिल जीतना, सबका ख्याल रखना। दादी, सिर्फ बड़ी माँ ही नहीं, मुझे अंश का भी दिल जीतना है। मैं जी जान से कोशिश करूंगी कि बड़ी माँ मुझे अपनी बहू मान ले और अंश अपनी पत्नी।